know me. So today I am going to tell you something about my life which I never told to anyone. During my childhood, I didn't have much confidence in myself. Due to this, I had to face many problems. My close one used to compare me with others, which was quite annoying for me. I know that I have capabilities to do anything what I want. But as I was a reserved person and hesitant by nature, so I didn't try to initiate. मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. मेरी लाइफ में मैथ्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. जब वो ख़त्म हुआ ना 12th, 10th तक, एनी हाउ आई हैव टू मैनेज, करनी पड़ता है यार, क्या करें, मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी ना 10th तक. पर जब वो ख़त्म हुआ ना, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलिए अब मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, अब सर्कल्स ट्रायंगल सब खत्म. जो ये एलजेब्रिक वगैरह होता है ना, बस मैं तो याद भी नहीं करना चाहता उन सब चीज़ों को, बस कहता हूँ ठीक है ना. पर वो कहाँ ख़त्म होने वाला था. 11th, 12th में चलो जैसे भी फिजिकल ले लिया, अब मैथ्स तो है नहीं तो फिजिकल लेना पड़ा. बट एक मन में टेंशन थी कि यार लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है, ये करना है, अच्छा भागा दौड़ी करोगे कि आप पीटी ऊषा बनना है. तो इस सब तरह की चीज़ें ना एक टेंशन आ गई थी दिमाग में. 12th भी चलो पूरी हो गई. फिर उसके बाद ये था कि चलो यार बीबीए करनी है भाई, बीबीए एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स है भाई, प्रोफेशनल बनना है. पर टेंशन ये थी कि उसमें मैथ्स है, तो मैं अपने फैकल्टी को फ़ोन करा कि सर बीबीए में मैथ्स कितनी है, क्या करूँ, एडमिशन लूँ ना लूँ. तो उसने कहा कि टेंशन मत ले, बस तू एडमिशन ले लिया. बट फिर मैथ्स की टेंशन कहाँ जाने वाली थी. इवन गाइस यू वोंट बिलीव कि मैंने लेक्चर में सर से पूछ लिया कि सर, क्लास के सामने फाइनेंस का लेक्चर था, कि सर बीबीए में मैथ्स कितनी है. तो वो बहुत एम्बेसिंग मोमेंट था मेरे लिए कि होल क्लास वॉज स्टार्टिंग लाफिंग एट मी. एंड बस मैं क्या बताऊँ आपको, उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन हुई होगी आप सोच नहीं सकते. फर्स्ट डे मैं पूछ लेता हूँ एक उसमें. सो ये सबके लाइफ में सब चलता रहता है. मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा हुआ, और उसका ये होता है कि मुझे अभी तक सपने आते हैं कि मैं मैथ्स में कल फेल होने वाला हूँ, मेरी कुछ तैयार नहीं, सारी टू बैंड बजी पड़ी है. व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कम थे, मैं बहुत रिजर्व नेचर का था. बट फिर यार मैंने एक चीज़ सोची कि यार ऐसे तो नहीं रहना है. मतलब भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है, तो उसको सही तो प्रूफ करो, कि उसको ये बताओ कि यार तुमने, कि भगवान जी आपने मुझे इंसान बना के कोई गलती नहीं करी. मतलब यार अगर आपके अंदर कुछ चीज़ इसको आप पाना चाह रहे हो, तो आप उसको एफर्ट्स उसको करने पड़ेंगे ना. अब मेरा क्या था, मैं आपको बताता हूँ. मैं लोगों से बात भी करना चाहता था, बट मैं कर भी नहीं पाता था. तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मुझे उनसे उनके पास जाके बैठना पड़ेगा, उनको अपनी बात बतानी पड़ेगी, उनसे रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे. फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी बात किसी से शेयर करते हो, आप ये मत सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा. आप उनसे बात करिए, जैसे कि मैं आज आपसे अपनी बात कर पा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू. सो गाइस, ये मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस थे जो आज मैंने आपसे शेयर करे. अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और इसको कमेंट और शेयर भी करिए. लास्ट में अपने फ्रेंड सौरभ कुमार को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिसने ये वीडियो शूट करा, जिसने मेरा पूरा सपोर्ट करा इस वीडियो को अपलोड करने में. थैंक यू. और भैया कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना? तो लाइक कमेंट शेयर कौन करेगा, मैं थोड़ी करूँगा, आप लोग करोगे, प्लीज़ करो.